अबाउट द सॉइल। जैसे कि सॉइल के बारे में आपको पता है कि सॉइल जो होती है अर्थ की, अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल कहलाती है। और इसमें जो होती है आपके सैंड, सिल्ट, वाटर, एयर और क्ले सब इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसकी स्टडी, सॉइल की स्टडी को हम लोग जो कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं। तो आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल की जो फॉर्मेशन होता है, 1 inch लेयर बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो अब देखिए सॉइल बनता कैसे है। सॉइल का फॉर्मेशन जो होती है रॉक से बनता है। रॉक जो होती है सन, रेन और विंड इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके चलते जो होती है ये जो है स्मॉलर पीस में बदल जाती है। जो रॉक होती है चेंज हो जाती है स्मॉलर पीस में। तो ये स्मॉलर पीस जो आपकी जो होती है सॉइल कहलाती है। ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस रॉक आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये प्रोसेस जो आपकी कहलाती है वेदरिंग कहलाती है। तो इस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग के चलते जो रॉक जो होती है स्मॉल पीस में चेंज हो जाती है। और सॉइल में आपके क्या क्या होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, वाटर एंड एयर प्रेजेंट होती है। तो देखिए इधर टाइप ऑफ सॉइल, टाइप इसके चलते सैंड, क्ले और इसकी क्वांटिटी के चलते जो होती है सॉइल को तीन पार्ट में बांटा गया है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। और ये क्वालिटी और कलर जो होती है सॉइल की, जो क्वालिटी और कलर जो होती है यह डिपेंड करती है कि इसमें सैंड कितना है, अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड लोम। इसकी जो अमाउंट से पता चलता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है और इसका कलर क्या है। तो सैंडी ऑयल, पहले हम सैंडी ऑयल लेते हैं। तो सैंडी सॉइल जो होती है इसमें लॉट ऑफ सैंड्स, इसमें जो सैंड्स की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है। सॉइल में जो होती है सैंड जो होती है लार्ज पार्टिकल्स होती हैं, लार्ज पार्ट होती हैं। और इसमें जो तो सिल्ट और क्ले जो होती हैं लिटिल अमाउंट में होती हैं। और सैंड में अब जैसे आपको पता है कि इसमें जो लार्ज स्पेस होती है, और इसमें लार्ज स्पेस की वजह से इसमें लॉट्स ऑफ एयर होती हैं, और ये जो होती हैं वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी इसकी जो होती है काफ़ी कम होती हैं। और ये जो सॉइल जो होती हैं नॉट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ये जो होती हैं क्रॉप्स के लिए सही नहीं होती हैं। तो ये देखा हमने सैंडी सॉइल के बारे में। और ये देखिए क्ले सॉइल में क्या है, इसमें लॉट ऑफ क्ले होता है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती हैं, और इसमें भी लिटिल स्पेस होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। थर्ड इज ए लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में आपका क्या है कि लोमी सॉइल में राइट अमाउंट ऑफ मिक्सचर होती है, किसकी, सैंड, क्ले एंड सिल्ट की। इसकी जो मात्रा जो होती है राइट मिक्सर होती है, राइट अमाउंट्स में होती है। और ये जो होती है बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स में होती है। देखा तो बेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स के लिए सबसे आपका जो बेस्ट हुआ है लोमी सॉइल होता है। तो लोमी सॉइल जो होती है हर तरह कल्टिवेशन, हर तरह के एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल होती है बहुत ही ज़रूरी होती है और ये जो बेस्ट होती है। तो आपने देखा कि ये सॉइल जो होती है तीन पार्ट्स में है, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। ये जो है सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल जो होती है डिपेंड करती किस पे, सैंड, क्ले पे और सिल्ट की अमाउंट्स पे डिपेंड करती है। इसकी क्वालिटी और कलर भी सैंड, क्ले और सिल्ट पे डिपेंड करती हैं। और ये देखिए सॉइल प्रोफाइल में आपकी जो होती है, ये जो होती है जो थ्री लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। टॉप सॉइल इसकी फर्स्ट लेयर, ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है टॉप सॉइल कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द अपर मोस्ट लेयर। और इसमें जहाँ जो होती हैं ह्यूमस होती हैं, और ये जो प्लांट्स जो होती हैं रूट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा, ह्यूमस होने के कारण यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है। जो प्लांट्स जो होती हैं यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दोनों यहाँ से लेती हैं। और ये जो होती है, और सेकेंड जो आपका है सब सॉइल है,
सॉफ्ट सॉइल में भी आपको वाटर वाटर की लॉट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट सॉइल। एंड थर्ड इज द पैरेंट सॉक। पैरेंट सॉक में आपके क्या है, जो स्मॉलर पीस के स्मॉलर पार्टिकल जो होती हैं, पीस जो होती हैं रॉक्स के प्रेजेंट होती हैं, इसे पैरेंट्स रॉक लेयर कहते हैं। और जो फोर्थ लेयर होता है बेड रॉक होती है। बेड रॉक में क्या हो, यहाँ पे जो इसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज साइज के रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा सॉइल के बारे में, हमने आपको बताया कि स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में बताया, सॉइल्स में क्या क्या होता है, फॉर्मेशन टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में बताया और सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया। तो ये इतना हो गया जानकारी। अगली बार हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं, जैसे लैटेराइट सॉइल्स हो गया, डिजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक